नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। और हमारा इकोनॉमिक्स की वीडियो सीरीज में हम राष्ट्रीय आय के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पिछला वीडियो जो हमारा राष्ट्रीय आय का आया था उसमें हम लोगों ने जीडीपी के बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था कि जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और ये बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जीडीपी के द्वारा देशों की जो रैंकिंग की जाती है वर्ल्ड बैंक और IMF के द्वारा, तो वो कैसे की जाती है। तो जीडीपी को जो रैंक किया जाता है वो तीन तरह से किया जाता है, वर्ल्ड बैंक या IMF के द्वारा। तो पहला जो था वो नॉमिनल जीडीपी के आधार पे जीडीपी का रैंकिंग किया जाता है या किसी देश की अर्थव्यवस्था को रैंकिंग किया जाता है। दूसरा रियल जीडीपी के आधार पे भी विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को रैंकिंग किया जाता है। और तीसरा पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे, क्रय शक्ति तुल्यता के आधार पे भी विभिन्न देशों के अर्थव्यवस्था के जीडीपी का श्रेणी क्रम या रैंकिंग किया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में बता दिया था। नॉमिनल जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं उसमें हम मार्केट प्राइस पे, जो करंट मार्केट प्राइस पे गुड्स और सर्विस का जो वैल्यू होता है उसके ही आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि इस पेन का इस समय मार्केट में वैल्यू 10 रुपए है, तो इसी 10 रुपए के आधार पे इस पेन का वैल्यू जीडीपी में जोड़ा जाएगा। एक डस्टर है, उसका मार्केट करंट मार्केट प्राइस अगर 20 रुपए है तो वो करंट मार्केट प्राइस पे डस्टर का वैल्यू जीडीपी में जोड़ा जाएगा। लेकिन रियल जीडीपी में एक बेस ईयर होता है, किसी बेस ईयर फिक्स कर दिया जाता है। सोच कीजिए कि स्पेन का वैल्यू 5 रुपए थी, तो 5 रुपए के आधार पर स्पेन का जितना प्रोडक्शन होगा उसको मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू को हम काउंट करेंगे। तो जो बेस ईयर हम दिया जाता है वो CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। और करंट में जो ये बेस ईयर है वो 2017-18 है। ठीक है दोस्तों, तो इस दोनों को हम पिछले वीडियो में समझ लिया था, इसलिए अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो पहले आप पिछले वीडियो को जरूर से देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आ जाएगी। अब हम आज हम बात करेंगे कि पीपीपी के आधार पे जीडीपी का श्रेणीक्रम कैसे किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पे अगर इंडिया का रैंकिंग किया जाए तो ये हमारी विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो कि जनरली एक्सचेंज रेट पे डिसाइड किया जाता है। लेकिन वही हम रियल जीडीपी के आधार पर बात करें, ये सब दोस्तों 2020 के आंकड़े हैं, 2020 के आंकड़े हैं। अगर हम रियल जीडीपी के आधार पर बात करें तो कोरोना के कारण हमारी जो रियल जीडीपी है वो -7.96 से गिर गई थी। तो इसीलिए जो करंट रैंकिंग है इसका 2020 का वो 150वां पोजिशन, 150 पोजिशन पे रियल जीडीपी के आधार पे भारत की अर्थव्यवस्था है। लेकिन पीपीपी के आधार पे भारत जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। फर्स्ट पे चाइना है, सेकंड पे USA है और थर्ड पे इंडिया है पीपीपी के आधार पे। तो पीपीपी आधार पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं उसके लिए हम देखते हैं कि पीपीपी आखिर है क्या, परचेजिंग पावर पैरिटी क्रय शक्ति तुल्यता है क्या। ठीक है दोस्तों, तो पीपीपी क्या है? पीपीपी किसी मुद्रा के वास्तविक मूल्य को परिकलित करने का एक विधि है। अब वास्तविक वैल्यू क्या है किसी मुद्रा, सपोज कीजिए कि यूरोप में यूरो चल रहा है, अमेरिका में डॉलर चल रहा है, इंडिया में रुपी चल रहा है, बांग्लादेश में टाका चल रहा है, तो उसका वास्तविक वैल्यू क्या है। अगर वर्ल्ड लेवल पे हम देखें तो एक समान जो समान सेम है, सपोज कीजिए कि चीनी है, चीनी अगर इंडिया में एक किलो अगर सपोज कीजिए कि 40 रुपए में मिल रहे हैं या 60 रुपए में मिल रहे हैं, तो अमेरिका में कितने में मिलेंगे, बांग्लादेश में कितने मिलेंगे, यूरोप में कितने मिलेंगे। चीनी तो एक ही किलो है लेकिन इसके लिए वैल्यू हमें कितना पे करना पड़ेगा। तो यही मुद्रा का जो एक वैल्यू है वही वास्तविक वैल्यू को परचेज करने का एक मेथड है पीपीपी, क्रय शक्ति तुल्यता। उसका नाम में ही पता चलता है कि क्रय करने की जो शक्ति है उस मुद्रा में वो कितनी है। इस विधि का उपयोग कर विभिन्न अर्थव्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्लियर करते हैं एक एग्जांपल से। सपोज कीजिए कि USA में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में और इंडिया में हम अपना तुलना करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम प्रेजेंटली सपोज करते हैं कि एक डॉलर एक का जो एक्सचेंज रेट है वो 70 रुपए का है। सपोज कीजिए कि 70 रुपए चल रहा है एक्सचेंज रेट, कि एक डॉलर का वैल्यू 70 रुपए है। ठीक है दोस्तों, अब सपोज कीजिए कि हम चीनी, एक किलो चीनी का प्राइस अगर USA में $4 है, चीनी का प्राइस क्या है, चीनी हमको खरीदना है तो USA वाले इसको $4 देकर के खरीदते हैं। तो अगर ये चीनी $4 खरीदते हैं तो इंडिया में इस 70 रुपए के हिसाब से
कितना हो जाएगा 280 रुपए हो जाएंगे दोस्तों, 280 रुपए हो जाएंगे। लेकिन इंडिया में एक चीनी, एक किलो चीनी का मूल्य कितने हैं, 60 रुपए हैं दोस्तों। कितने रुपए हैं, 60 रुपए। तो अगर हम देखें ऐसा क्यों है, तो क्योंकि इंडिया में जो प्रोडक्शन होता है, जो लेबर कॉस्ट है, जो मशीनों की वैल्यू है, मशीन जो काम करते हैं, यहाँ जो बिजली होता है वो सस्ता है, और वही यूएस में लेबर कॉस्ट, जो रियल एस्टेट है, वो सारे महंगे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर चीनी का प्रोडक्शन जो यूएसए में जो मशीन से हो रहा है, अगर इंडिया वाले मशीन और लेबर को उठा करके यूएसए में करते तो वहां भी चीनी हमें कितने मिल जाती, 60 रुपए ही मिलती दोस्तों। तो लेकिन ये संभव नहीं है कि इंडिया से पूरा पूरा लेबर को हम यूएसए शिफ्ट कर दे, इंडिया से सारे रियल एस्टेट को यूएसए शिफ्ट कर दे तो प्रोडक्शन करे, ऐसा संभव नहीं है। तो लिविंग कॉस्ट का जो डिफरेंस है यूएसए में और इंडिया में, वही यहाँ पे ये वैल्यू को कम और ज्यादा कर दे रहा है। तो अगर इंडिया का 280 रुपए ले जाकर के हम यूएसए ले जाएंगे तो मुझे एक किलो चीनी मिलेगा, लेकिन अगर इंडिया में हम 60 रुपए ही देते हैं तो मुझे एक किलो चीनी मिल जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो सामान क्रय करने की, जो वस्तु क्रय करने की क्षमता है, जो $4 के बराबर है, इंडिया की कितने के बराबर हो गई, 60 रुपए के बराबर। एक्सचेंज रेट में तो $1 के बराबर 70 रुपए है, लेकिन जो अगर सामान कोई गुड्स खरीदना है तो वहां पे हम 60 रुपए में जितना गुड्स खरीद सकते हैं, अमेरिका में $4 में हम उतने गुड्स खरीद सकते हैं। तो इसी दोनों $4 और ये दोनों रेट का जो कंपैरिजन है वही पीपीपी बताता है, परचेजिंग पावर पैरिटी को बताता है। तो सपोज कीजिए कि इसका प्राइस को हम P1 मानते हैं और इसके प्राइस को अगर हम P2 मानते हैं तो तो पावर परचेजिंग पैरिटी जो हो जाएगा वो फर्स्ट प्राइस बाय, या आप कह सकते हैं P2/P1 हो जाएगा, यानी कि 60/4 हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएंगे, यानी कि 15 रुपये पर $1 हो जाएगा। यानी कि अगर एक्सचेंज रेट से बात करें तो $1 की कीमत 70 रुपये है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो $1 में जो सामान मिलेगा वो हमें 15 रुपए में मिल जाएंगे। अब दोस्तों देखिए, तो परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर इंडिया का वैल्यू क्या हो गया, ज्यादा हो गया, हो गया कि नहीं। यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर हम अगर बात करें तो इंडिया इसीलिए थर्ड पोजिशन पे आ जाती है, लेकिन ओवरऑल एक्सचेंज रेट पे बात करते हैं नॉमिनल जीडीपी तो वो वर्ल्ड में 6 पोजिशन में हमारी अर्थव्यवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको परचेजिंग पावर पैरिटी, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे क्या फायदा है दोस्तों, तो इससे ये फायदा है कि एक्सचेंज रेट जो डॉलर का वैल्यू है और इसके कंपैरिजन में जो रुपए का वैल्यू है वो इन्फ्लेशन के कारण, मुद्रास्फीति के कारण हमेशा उसमें उतार चढ़ाव ज्यादा रहता है, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है, कभी 72 हो जाएंगे $1 का वैल्यू, कभी 73 हो जाते हैं, कभी 75 हो जाते हैं, कभी 70 हो जाते हैं। तो वो मार्केट का जो इन्फ्लेशन है मुद्रास्फीति के कारण जो एक्सचेंज रेट है उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, लेकिन पीपीपी के आधार पे क्योंकि वस्तु जितना हम इंडिया में खरीद पाते हैं और जितना हम यूएसए में खरीद पाते हैं उसमें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, इसीलिए ये ज्यादा सटीक रहता है किसी भी मुद्रा के वास्तविक वैल्यू को दर्शाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए इसके आधार पे भी हम जीडीपी को रैंक करते हैं और हमारा वर्ल्ड में अभी जीपीपी के आधार पे, क्रय शक्ति तुलता के आधार पे हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो 3rd नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, अब एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं कि सपोज कीजिए कि यूएसए में किसी को 1 करोड़ रुपए का पैकेज मिला है, 1 करोड़ का पैकेज मिला है, और इंडिया में किसी को 28 लाख का पैकेज मिला है। ठीक है दोस्तों, तो 1 करोड़ को आप अगर हम चेंज करेंगे तो 70 रुपए के हिसाब से, $1 अगर हम 70 रुपए के हिसाब से बात करते हैं तो अगर 1 करोड़ को हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे इस रेट से तो अराउंड ये हो जाएगा 1,43,000 रुपीज हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डॉलर हो जाएंगे डॉलर में कन्वर्ट करें तो। अब चूंकि ये तो हम देखेंगे कि 1,01,00,000 का यूएसए में उसको पैकेज मिल रहा है किसी भी आदमी को जॉब करता है तो, और इंडिया में 28 लाख का ही जॉब मिल रहा है, 28 लाख ही रुपए मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम पीपीपी के आधार पर बात करें तो हमने अभी देखा था दोस्तों कि $1 का जो कीमत है, $1 का कीमत रुपये 15 के बराबर हो जा रहे हैं सामान खरीदने के बराबर, क्योंकि लिविंग कॉस्ट ज्यादा हो जा रहे हैं। तो अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमेरिका में इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये अराउंड हो जाएगा
25 लाख रुपए के बराबर। अब देखिए अगर 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे रुपए में इन रिस्पेक्ट टू परचेजिंग पावर पैरिटी। तो अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि ये 25 लाख रुपए ही उसको अगर इतना ही रुपए अगर इंडिया में रहता तो अमेरिका के हिसाब से उसको 25 लाख ही मिल रहे हैं इंडिया का करेंसी, और यहाँ पे 28 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो कौन ज्यादा बेटर हुआ दोस्तों? तो ये 28 लाख पीपीपी के आधार पे बेटर हुआ, क्योंकि लिविंग जितना आदमी 28 लाख रुपए में यहाँ पे लिविंग कॉस्ट कम है क्योंकि इंडिया में, तो जितने अच्छे से और जितने एसेट्स यहाँ पे 28 लाख में बना सकते हैं उतने एसेट यहाँ पे यूएस में रह के 1 करोड़ के सैलरी में नहीं बना सकते। तो ये पावर परचेजिंग पैरिटी से मुद्रा के वास्तविक वैल्यू का पता लगाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीएनपी के बारे में, आखिर जीएनपी है क्या। ठीक है दोस्तों, चूंकि जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो ये जीडीपी डी डोमेस्टिक से नेशनल होने में क्या परिवर्तन होता है, क्या चीज होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक बाय बाय दोस्तों।